श्री राम ने उस स्वयंवर में वहां एकत्रित सभी योद्धाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया। फिर क्या हुआ जामवंत जी? तब महाराज जनक ने प्रभु श्री राम को माता सीता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, परंतु अपने पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभु श्री राम ने वो विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर प्रभु श्री राम के पराक्रम की सूचना अयोध्या पहुंचाई गई। महाराज दशरथ ये समाचार सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने अन्य दोनों पुत्र अर्थात भरत और शत्रुघ्न के साथ स्वयं जनकपुरी पहुंच गए और प्रभु श्री राम को सीता जी के साथ विवाह की अनुमति दी। इतना ही नहीं, महाराज जनक ने सीता जी के साथ अपनी अन्य तीन पुत्रियों का विवाह भी प्रभु श्री राम के तीनों भाइयों से करवाने का निश्चय किया। जानकी एक भय पाणी ग्रहण में दो बंधे मंगल बेला मंगल गान जनक राज करे कन्या दान अद्भुत अपूर्वा दृश्य अभीष्ट सिया छटा रामा सतनिष्ठ दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन संग जान की जुड़े रघुनंदन
भव्य और दिव्य आयोजन होगा ना, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। भोर। फिर क्या हुआ जामवंत जी? भोर। जी? हाँ हनुमान, भोर हो गई है, प्रातः वंदन का समय हो गया है। मुझे तो आभास ही नहीं हुआ कि भोर हो गई। संकट मोचन महाबली प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माता सीता की कोई सहायता नहीं कर पाया। सूर्य देव के वचन से बंधा हूं ना मैं, भ्राता सुग्रीव की रक्षा करने के लिए यहीं स्थित रहने पर विवश हूं, अन्यथा मैं आपको ढूंढकर अवश्य इस पूरी घटना के बारे में सूचित करता। प्रभु, अपने इस भक्त पर दया कीजिए, आपके दर्शन किए बिना अब एक पल भी व्यतीत करना कठिन है मेरे लिए। मेरे ये नेत्र आपके शुभ दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कर मेरी आत्मा को तृप्त कर दीजिए। प्रभु प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। प्रभु प्रभु
इस पुष्प का गिरना क्या शुभ संकेत है या प्रभु का कोई आशीष है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली प्रभु ने? क्या क्या शीघ्र ही मेरे प्रभु श्री राम से मेरा मिलन होने वाला है? मुझे 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 ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम मेरे समीप हैं? प्रभु आप आ गए प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आज आपसे मिलन होगा प्रभु। जय श्री राम। बजरंगी भय अति आकुल, राम तरस को मन व्याकुल। जंगल जंगल पर्वत पर्वत, राम को खोजे राम को रट रट। उच्च चरित्रा चित चंदन, अब मिल जाओ रघुनंदन। दे डारो प्रभु अब तो तरस, पल पल लगे हैं सौ सौ बरस। जय हनुमान, जय श्री राम महाबली हनुमान। जय हनुमान प्रभु श्री राम, श्री राम। जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु प्रभु मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप निकट ही हैं? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था? परंतु मुझे आपकी निकटता का आभास हो रहा है प्रभु। यदि वो आसपास हैं, तो ढूंढ लूंगा मैं उन्हें। श्री राम
भी धन्य हो गई। बरसों से जिनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी वो मेरे प्रभु राम, आज वो मेरे प्रभु कृपा करने आ गए। क्यों क्यों इतना विलंब कर दिया भगवान इस भक्तन के द्वार आने के लिए? इस वृद्धा की सांसें तो आपके दर्शन की आस में अटकी थी और आज मेरी कुटिया में पधारकर इस वृद्धा का जीवन धन्य कर दिया। आपके दर्शन करने में मैं तो भूल ही गई कि आपका सत्कार करना है, आपको आसन देना है। भूख भी लगी होगी ना? मैं आई। ये लीजिए प्रभु। आप दोनों विराजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। विराजिए। सत्कार, अपना जूठा बेर खिला रही है बड़े भैया को। भैया भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो केसरी नंदन जय हनुमान। मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु श्री राम जय हनुमान। भगवान भक्त के सच्चे भाव के भूखे होते हैं। वो राजा और रंग दोनों में कोई भेद नहीं करते।